टन टन टाना। बहुत बरसों के बाद हम लोग फाइनली मिल रहे हैं। से हाय टू यू गाइज इज वेल। काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह बोल रहे हैं कि यार तुम लोग वीडियो तो बनाओ, तो बोले चलो वीडियो बनाते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं डाउन टाउन, वी आर गोइंग टू एन आर्ट गैलरी। हाँ यार, आज तो कैनेडा डे, सो कैनेडा डे सेलिब्रेट करने और हमारी फोर्थ एंगेजमेंट एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने हम लोग जा रहे हैं डाउन टाउन वैंकूवर। एंड लेट्स सी आगे क्या है। आज हमने कर दिया है टॉप डाउन क्योंकि आज है सनी वेदर। यार हम लोग जब फर्स्ट टाइम वैंकूवर मतलब पहुंचे थे ना लास्ट ईयर एंड ऑफ अगस्त में, तब जैसा वेदर फाइनली अब हमको मिला है। जून ना, जून यहाँ पे कभी कभी इन लोग ये लोग जून्युआरी बोलते हैं क्योंकि बीच में दो हफ्ते जैसा ग्लूमी हो गया था जून में। एंड जून में टोरंटो में इट्स एक्चुअली अमेजिंग। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर बट इट्स यूजुअली अ थिंग ओवर हियर, बट फाइनली वी आर इन जुलाई एंड इट्स लुकिंग गुड। बोलते अगस्त में भी इट्स यूजुअली सनी ओनली, तो होपफुली अब ग्रे ना हो, अब बस सनी हो। हम आपको ऐसे ही दिखाते हुए जा रहे हैं। पहुंच गए हैं हम डाउन टाउन और अब काफी मशक्कत के बाद हम लोग को पार्किंग मिली है। सो गाड़ी को पार्क करके हम लोग वॉक करके जा रहे हैं आर्ट गैलरी। बड़ी लाइवली आज का दिन है इधर, बिकॉज़ कैनेडा डे है, सब लोग फ्लैग लेके जा रहे हैं, तो मेरा आउटफिट देख के आप लोग भी बोल सकते हो कि टुडे इज द कैनेडा डे। इसको देख के लग रहा है, मेरे को तो लग ही नहीं रहा है, मेरा तो ऐसा है कि भाई मैं हवाई जा रहा हूं, पटाया जा रहा हूं। ये होता है ना यार, एक बार सिटीजन बन जाने के बाद ऐसा रहा है। हम नए नए आए हैं, क्या है। हम लोग आ गए हैं पैन पैसिफिक होटल। You take two escalators up और वहाँ पे ऊपर आर्ट गैलरी है, so we're gonna go there. हर वीकेंड हम लोग एक बार तो डाउनटाउन चले ही जाते हैं, इस बार सोचा कि किसी आर्ट गैलरी में चलते हैं और यहाँ पे ये एग्जीबिशन लगा हुआ था डाउनटाउन में और हम लोग नज़दीक में ही थे, तो व्हाई नॉट राइट। साल्वाडोर रैली इज़ अ रियली रियली फेमस आर्टिस्ट और उसकी पेंटिंग्स एकदम डिफरेंट है। मुझे बहुत कम समझ में आती है ऐसी पेंटिंग्स, लेकिन सारे आर्टिस्ट का अपना अलग अलग पैलेट होता है, कलर पैलेट होता है, थॉट्स होते हैं, और जो इन पेंटिंग्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है विच इज़ लाइक मिस्ट्रीज बिहाइंड दोज पेंटिंग्स। आप किसी भी आर्ट में देखो, उसने एक चीज़ छुपा रखी है, उसने उसका लोगो छुपा रखा है या तो कोई मिस्ट्री छुपा रखी है, जो ये मैडम हमें समझा रही थी। तो ये जो मैडम दिखा रही है ना, ये मेल्टेड क्लॉक है जो कि साल्वाडोर रैली की फेमस एक पेंटिंग और सम स्कल्पचर्स को रिप्रेजेंट करता है। और बहुत सारी पेंटिंग ओरिजिनल भी थी, उनके प्राइस तो हवा में थे बहुत ज़्यादा ही, यू कैन सी द प्राइस। आज के एग्जीबिशन को यहीं पे करते हैं ख़त्म और जाते हैं एक कॉन्सर्ट में जो कि वैंकूवर डाउनटाउन में ही था। सो एंजॉय।
क्या है शो खत्म और अब हम लोग जा रहे हैं उस तरफ जहाँ पे पूरा क्राउड है, कुंभ मेला मेले में आए हैं, बहुत सारे फूड ट्रक्स लगे हुए हैं, फूड वेंडर्स हैं। देखते हैं कोई इवेंट्स वगैरह हो रही है क्या, आगे कोई बैंड वगैरह प्ले कर रहा है कि नहीं, लेट्स सी। आई डोंट थिंक सो, अभी बैंड होगा बट वो जैज भी है उधर की तरफ। ओह, वेन्यू इज डिफरेंट दिस टाइम। अच्छा, वो वाला जो किड स्टेज आगे बढ़ा रही है हमारे कनाडा। हम आए हैं पैसिफिक ओशन के पास। यहाँ से इन लोगों के सी प्लेन्स चलते हैं और ये मिनट्स के अंदर, और उसका किराया है $350 और $500, ये मैंने देखा था, डिपेंड्स, बट हम लोग अभी तक गए नहीं क्योंकि हम सी प्लेन में बैठ चुके एक बार ही मालदीव्स में, देखेंगे क्या जल्दी, अभी रही यहीं पे रहते हम लोग, बट द व्यू इज ऑसम वहां सामने नॉर्थ वैंकूवर, और यहां से सी बस जाती है ऑल द वे Across. और वहाँ पे भी अच्छा ऐसी रेंच है, कभी लेकर चलेंगे आपको वहाँ पर भी। It's a Canada day here. Canada day. आ गए हैं हम गैस्टाउन में, हम लोग आए हैं इटालियन रेस्टोरेंट ढूंढते हुए। एक है क्लासिक सी जगह है, ओल्ड स्पगेटी फैक्ट्री, काफी टाइम हुआ वहां पे खाए, मैंने टोरंटो में ट्राई किया था, इट्स गुड बिकॉज दैट डे वाज कनाडा डे, सारे लोग इतनी मस्ती में थे उस दिन, लाइक बहुत ही अमेजिंग एनवायरनमेंट था डाउनटाउन का। वैंकूवर जाने के बाद इतना मज़ा आ जाता है यार, और फूड भी बहुत अमेजिंग था। फाइनली हमें ओल्ड स्पगेटी फैक्ट्री मिल गया After 2.5 kilometers of walk, but yeah, the food was amazing, totally worth, और ऐसा लगा भी नहीं हमने इतना walk कर लिया क्योंकि इतनी भीड़ थी downtown में कि हम लोग बस मस्ती करते करते पहुँच गए जैसे तैसे। And as usual, बाहर से बहुत ही छोटी सी जगह दिख रही थी but it was massive, you can see, मुझे अंदर ले जाते इतना लंबा वीडियो हो गया है ना ये, बट हम लोग पहुँच गए थे फाइनली। बहुत बहुत टाइम लग गया एकदम अंदर, कहीं हमें टेबल मिला था, हमेशा ये जगह फुल रहती है इसलिए हमें टेबल बहुत पीछे मिला था। तो मैंने बोला कि आज हमारी एनिवर्सरी, आई हैव टू सिट आउट, वेदर भी बहुत अच्छा था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैडम, हम बिठा देते हैं आपको बाहर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ 15-20 मिनट्स वेट करने के बाद हमें टेबल मिल गया। और ये मीनाक्षी ब्रेड का कचरा करते हुए कचरा नहीं रहती होती, मैं काट रही हूँ खुद, तो काट नहीं रहे शेफ, वो तो ब्रेड काटो। चाकू की Are you happy with your dish? It looks pretty good. I'm excited. Yes. और मीनाक्षी जी चीज खाते हुए, क्या इस डिश का नाम बताओ? मिकोटी। Let me taste.
ठंडा लग रहा है. इट्स वेरी चीज़ी एंड वेरी यम्मी. वेरी यम्मी. खतरनाक. चलो सक्सेस. चिकन लुक्स जूसी. The end of the day. खाना हो गया समाप्त. गाड़ी में हम गए हैं बैठ और खाना समाप्त के बाद इतना बच गया. तो आज का दिन बड़ा ही अच्छा फंटास्टिक गया हमारा. और कनाडा डे की वजह से वैंकूवर बहुत बहुत लाइवली था. मुझे एकदम से टोरंटो की याद आ गई. टोरंटो डाउन टाउन एकदम ऐसे ही रहता है. खाना तो बहुत ही अमेजिंग था. शो भी बहुत अमेजिंग था. सब कुछ बहुत अमेजिंग था. आज अभी हमारा दिन ख़त्म नहीं हुआ है. पिक्चर विक्चर देखेंगे. आज सैटरडे है तो सैटरडे को तो इन्जॉय करना बनता है ना. घर जाते हैं. थोड़ी सी ठंड हो गई है लेकिन चाल से यार. गुड मॉर्निंग दोस्तों. जब हमारा काफिला निकला है लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर और वहाँ पे हम जाएंगे रथ यात्रा के लिए. मैडम को देखो. मैडम की वजह से मेरे को तैयार होना पड़ा है एकदम. ये देखो नहीं देखो देखो देखो. तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल. वहाँ पे हो रही है रथ यात्रा और रथ यात्रा में हम लोग होने वाले हैं शामिल. हम लोगों को वहाँ पे जाके दर्शन करने थे. और रथ यात्रा तो 11 बजे निकल गई है. अभी बज रही है 12:45 ऑलमोस्ट. हम पहुँच जाएंगे 15 मिनट्स में वहाँ पे और दर्शन करके और वापस आ जाएंगे. तो आज मेरा मन था थोड़ा इंडियन अटायर पहनने का. जैसा कि आप देख सकते हैं बड़े बड़े झुमकास. ना झुमकास थी ज़्यादा चांद वाली. बहुत ही अच्छे भगवान के दर्शन हो गए. जगन्नाथ जी की यात्रा देखने को मिल गई. एक दिन पहले कनाडा डे सेलिब्रेट कर रहे थे और दूसरे दिन पू बनी पार्वती. देखो भाई सैटरडे संडे हमारा होता है तो संडे के दिन सुबह चाय के साथ एक मज़ेदार गाना मिल जाए तो बात ही क्या है. इन्जॉय हिज परफॉर्मेंस. We have agreed, for which we have agreed. You think you want, you have more than you need. Society, your crazy breed. Hope you're not lonely without me. Society. Crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Oh, कैसा लगा सॉन्ग? मस्त था ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. तो शाम को हम लोग गए बैडमिंटन खेलने और हमने किया ये व्लॉग यहीं पे समाप्त. आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए सायोनारा एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.